अगली अहम खबर इस्लामाबाद। मार्गला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग के शोले और धुएं के बादल दूर से देखे जा सकते हैं। आए रोज आग लगने के वाकयात की रोकथाम में मुतलका इदारे नाकाम है। गुज़श्ता रोज लगी आग पर काबू पा लिया गया था। डिप्टी डायरेक्टर सीरिया की जानिब से ये बयान सामने आया। आज सैदपुर में दोबारा आग भड़क उठी है। दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन के बाएं जानिब ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये मार्गला की पहाड़ियों के मनाजिर हैं जहां पे एक बार फिर से आग भड़क उठी है। तफसीलात हासिल करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे आकिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आकिल बताइएगा, आग भड़क उठी या काबू पा लिया गया, मजीद क्या तफसीलात हैं? पर आग लगने का ये सिलसिला कई अरसे से जारी है, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एनजीएमए और हवाले से बेहतर कोई इंतजाम करने में अभी तक नाकाम नजर आ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता दिन भी मार्गला की इन्हीं पहाड़ियों पे आग लगा था और उसको काबू नहीं कर पाए थे और उसे मुकम्मल तौर पर आग बुझाने में नाकाम हो गए थे, जिसकी वजह से आज फिर दोबारा आग भड़क चुका है और अभी तक तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, आग में मजीद इजाफा हो चुका है और जिसकी वजह से काफी एरिया पर अभी आग मजीद इजाफा हो चुका है। अगर यही सिचुएशन रही और मजीद 2 या 3 घंटे के अंदर आग पर काबू नहीं पाया गया तो खदशा किया जा रहा है कि वो एरिया का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस हवाले से हमने सीढ़िए के नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी मौके लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह हमें जवाब नहीं दिया कि इस हवाले से उनके क्या इकदाम होंगे आने वाले वक्त में, जबकि एनडीएमए वाले कह रहे हैं कि हमें सीडी वाले हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। जी आखिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।